प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। भागलपुर नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है और प्रतिदिन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कनकैथी में कचरा डंप करने के लिए डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है। डंपिंग ग्राउंड को मिले 2 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अब भी नगर निगम शहर भर का कचरा शहर के बीचों बीच लाजपत पार्क के समीप या नाथनगर की दोगच्छी और बाईपास के समीप पर गिरवा रहा है। बाईपास के समीप सड़क किनारे पूरा डंप करने से वन विभाग के लगाए दर्जनों पौधों का जीवन संकट में है, तो वहीं दूसरी ओर सड़क किनारे लगे कचरे के अंबार से फैल रही बदबू आवाजाही करने वाले राहगीरों को परेशानी में डालती है। इस संबंध में जब नगर निगम के जिम्मेदारों से बात की गई तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात कर जल्द कचरे की कनकेथी स्थित डंपिंग ग्राउंड में गिरवाए जाने की बात कही। विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि मैंने डिप्टी सीएम को लिखकर नगर निगम के कार्यों की जानकारी दी है। भागलपुर नगर निगम में सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट मची हुई है। भागलपुर के बीच में कचरा फेंका जा रहा है, डंपिंग ग्राउंड के लगातार बात कई सारे थे, तब तक उसके कोई कार्य नहीं। मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को पत्र भी लिखा है कि नगर निगम कंप्लीट फेल है, चाहे स्मार्ट सिटी की बात हो, कचरा उठाने की बात हो, डंपिंग ग्राउंड की बात हो। चिट्ठी हमने दिया है, मेरे पास है, आप ले सकते हैं। बिल्कुल नगर निगम उदासीन है। जब तक मेरा मानना है कि जो ये कर्मचारी पहले से यहीं पर नौकरी जिनको दी गई है और वो कंटिन्यू करते हैं, जब तक पदस्थापन नहीं होगा, एक नगर निगम से दूसरे नगर निगम जब तक नहीं होगा, तब तक उसे काम सुधार नहीं होगा। इसी तरह कचरे फेंके रहेंगे, गंदगी शहर में रहेगा, नाला से पानी बहते रहेगा। अगर आप बोलिए ना किसी एसपी को या थानेदार को, आप जिंदगी भर के एक जगह पोस्टिंग कर दिए, कैसा चलेगा वो जिला, कैसा चलेगा वो थाना। इसे ट्रांसफर पोस्टिंग जो नियम है 3 साल 4 साल में जो आप लोग सरकार करती है, नगर निगम के भी सभी पदाधिकारी सभी कर्मचारी का, जब तक आप स्थानांतर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं करेंगे, तब तक ये सफाई नहीं रह पाएगा। ये लोग मनमानी करते रहेंगे, लूट मचाते रहेंगे। अभी हम तो पहले तो बैठक से पहले हम सर्किट हाउस भी गए थे, आए थे मेरे सम्मानित मंत्री जी, आपका पूर्व रामनल मंडल जी, उनसे मिले, बोले सर आप पहले भी हमको डंपिंग ग्राउंड दे चुके हैं और अब तक उसमें कूड़ा नहीं गिर रहा है, ये क्या खेती बात है? क्योंकि साइड में आपका कूड़ा गिरा दिया जाता है, उसमें भी उसमें मिट्टी नहीं ढके जाता है, यहाँ पर उस पर भी हम चर्चा किए साथ में, अभी मैडम उसको कुछ बोलने से जवाब नहीं दी। कनकैती में नगर निगम का डंपिंग ग्राउंड है, लगभग 4 एकड़ का है जो गवर्नमेंट हम लोग को दिया है। पहले से वहीं पे डंपिंग हो रहा है, लेकिन बीच में वहाँ जो अतिक्रमण करके रखा है तो वो लोग के द्वारा बहुत सारे विरोध करते हैं, तो इसके लिए बहुत लॉ एंड ऑर्डर का संभावना भी वहाँ हो रहा है। तो इस पर्पज के लिए कल भी हम लोग दिशा मीटिंग से पहले डीएम सर से भी चर्चा किया और डीएम सर भी हम लोग को सहयोग करने के लिए रेडी है, फोर्स और मजिस्ट्रेट भेजने के लिए सर भी बताया है, तो जल्दी से जल्दी हम लोग को वो जगह भी क्लियर हो जाना चाहिए।